हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जालोर खोज खबर यूट्यूब चैनल में। अगली खबर जालोर के सुंदा माता पर्वत की है। सुंदा माता रोप वे पर मनमानी प्रशासन को नहीं दिख रही, पूछने पर श्रद्धालुओं से करते हैं दुर्व्यवहार, मनमानी से संचालक वसूल रहे हैं डबल किराया। तो आखिर क्या है मामला? आप कभी गए होंगे सुंदा माता टेम्पल में तो वहाँ पर अपने रोप वे में बैठ कर ऊपर जरूर गए होंगे, तो आपसे भी कैसा वहाँ पर व्यवहार किया गया, क्योंकि आजकल वो ज़्यादा सुर्खियों में है। सुंदा माता पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य स्थल सुंदा माता में रोप संचालक की ओर से एक और तो किराए की मनमानी की जा रही है, दूसरी ओर श्रद्धालुओं के पूछने पर रोप वे स्टॉक से उनके दुर्व्यवहार की खबरें आई है। रोप वे में 110 सेंटीमीटर के बच्चे का टिकट निःशुल्क है, लेकिन रोप वे स्टाफ की ओर से 110 सेंटीमीटर के बच्चों का भी टिकट वसूल रहे हैं। तीर्थ स्थान पर रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में रोप वे संचालन की मनमानी स्टाफ के रूप में उन्हें परेशानी देखनी पड़ रही है। श्रद्धालु कई बार इसकी शिकायत ट्रस्ट में कर चुके हैं। ट्रस्ट ने कई बार प्रशासन को संचालन की मनमानी के बारे में ज्ञापन के द्वारा मंदिर में दर्शन पहुंचने पर अधिकारियों को अवगत भी करवाया है, लेकिन प्रशासन की ओर से संचालक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में संचालक मनमानी से सद्वारों से किराया वसूल रहे हैं। सुविधाएं कम, वसूली पूरी। रोप वे संचालक की ओर से वसूली तो पूरी की जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर मात्र 8-10 कुर्सियां लगी है। रोप वे पर न तो प्रतीक्षालय है न ही सुबह चौसालय, ऐसे में नवरात्रि व अन्य दिनों में श्रद्धालुओं को घंटे वहां पर खड़े रहना पड़ता है। प्रवेश व निकाय वाले स्थान पर कुछ सुविधाएं नहीं है, खासकर महिलाओं को यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, यात्रियों के पीने के लिए सुविधा नहीं है, मात्र एक मटका रखा हुआ है। किराए को लेकर करते हैं मनमानी। रोप वे से जाने के लिए संचालक की ओर से टू वे का किराया 130 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस हिसाब से एक तरफ का किराया 65 रुपये होना चाहिए, जबकि संचालक वन वे के लिए 106 रुपये वसूल रहे हैं। हर साल संचालक की ओर से किराए में मनमर्जी बढ़ोतरी भी कर दी जाती है। इसके रिपोर्ट भी मांगी है। किराए का निर्धारण जिला कमेटी की ओर से होता है। रोप वे हर माह नियुक्ति अधिकारी की ओर से निरीक्षण भी होता है। रोप वे संचालक से निरीक्षण के बारे में अभी रिपोर्ट मांगी है। किराए के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो उपखंड अधिकारी है जसवंत बुला के, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन हर साल ऐसा होता है। रोप वे की कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ शिकायत जरूर आती है। आपके साथ में अगर कुछ रोप वे से शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमें है सुंदा माता पर्वत जालोर के भिन्नमल क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर ऐसी मनमाजी होती है।